आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 3.4 का मैंने इंट्रो बच्चों दे दिया है पहले ही। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो जाके देख लें प्लीज, तभी समझ में आपके आएगा बच्चों, अन्यथा ही समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो 3.4 चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है टेन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री लिखा है यहां पे। इसका हम लोग को प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन दोनों निकालने हैं बच्चों। प्रिंसिपल भी निकालना है और जनरल सोल्यूशन भी निकालना है। तो मैंने बताया इससे पहले क्लास में कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है बच्चों। प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है जो कि जीरो से लेकर कहां तक होता है, 2π तक होता है बच्चों, ठीक है। ये यहां पे a होता है, यहां पे s होता है, यहां पे t होता है, यहां पे क्या होता है, c होता है। तो मैं बात करूं tan में किसकी वैल्यू बच्चों रूट थ्री होती है, तो बताएंगे आप लोग किसकी वैल्यू रूट थ्री होती है बच्चों। tan में 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, रूट थ्री होती है। और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बच्चों दो जगह होगा, या तो यहां पर हो सकता है या तो फिर यहां पर होता है। ये देखो t लिखा है, t का मतलब tan या फिर cot लिखा है। तो यहां पे भी ऑल पॉजिटिव होगा, यहां पर भी क्या होगा बच्चों, क्या टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। तो ये यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। तो पहले बात करेंगे हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। तो देखिए बच्चों टेन एक्स इज इक्वल टू पहले किसकी वैल्यू होती है, टेन 60, और 60 का मतलब बच्चों क्या होता है रेडियन में, पाई अपॉन थ्री। ओके, तो एक्स इक्वल टू पाई अपॉन थ्री या फिर इसी में लिखे और लाके। देखिए बच्चे ध्यान से, यहां पे जीरो होता है, यहां पर क्या होता है पाई बाई टू होता है, यहां पर क्या होता है पाई होता है, यहां पे थ्री पाई बाई टू होता है, यहां पे क्या होता है फिर से टू पाई। जब आप लोग को यहां पर टेन में पहुंचना है बच्चों, है ना, टेन में जाना है, तो यहां से जाने के दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। यहां पर आप इधर से भी पहुंच सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन आप इधर से गए तो पछताएंगे भैया, क्योंकि ये बदल देता है, ये बदल देता है बच्चों, लेकिन ये बदलता नहीं है रेशियो को। याद करिए 3π/2 और π/2 बच्चों ऐसे हैं जो दगाबाज हैं बच्चों, ये दोनों बदल देते हैं, लेकिन जीरो और पाई बच्चों एकदम लाइन सीधी सीधी लाइन सीधी गाय है बच्चों, ये बिल्कुल बदलती नहीं है। तो पाई पे बच्चों चेंज नहीं होता रेशियो, मतलब रेशियो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो पाई की हेल्प लेंगे। और पाई में क्या करेंगे आप लोग, ऐड करेंगे। जब पाई में कितना ऐड करेंगे बच्चों, वही जो यहाँ पे लिया है π/3, तो आप यहां पे पहुंच जाएंगे। तो यहां पे π/3, तो पाई प्लस π/3 करेंगे तो 3 बन जाए 3, 3 में 1 गया बच्चों 4, 4 π/3। ओके, तो यहां पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया, π/3 और 4π/3 हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन मैंने कहा था जो पहले पड़ेगा उसी सॉल्यूशन को यहां पे ले लीजिए जी। तो x = क्या है बच्चों, पहला सॉल्यूशन बच्चों π/3, फर्स्ट सॉल्यूशन बच्चों π/3, और tan x = याद करिए बच्चों tan x इक्वल टू मान लीजिए tan थीटा लिखा है, तो हमने लिखवाया था सॉल्यूशन x के लिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा। tan के लिखवाया था बच्चों, tan के लिए लिखवाया था, सॉरी x के लिए नहीं, tan के लिए लिखवाया था x इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला बच्चों फॉर द tan। तो फॉर्मूला बनेगा तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, n पाई प्लस थीटा, मतलब यहाँ पे कितना है बच्चों π/3, तो π/3। ओके बच्चों, tan x = tan थीटा, जैसे ये tan x = tan थीटा, थीटा मतलब क्या है π/3। अच्छा ये भी थीटा हो सकता है, बट जो पहले पढ़ता है उसको हम लेते हैं यहां पर, ठीक है। पहले कौन पढ़ा बच्चों, π/3, तो इसीलिए लेंगे x = nπ प्लस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा π/3। समझ में आया, ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन और ये हो गया बच्चों जनरल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, और ये इस पर थोड़ा सा गौर करिए बच्चों, इससे पहले क्लास में जब मैंने पढ़ाया तो ये सब बताया था बच्चों, तो प्लीज उसको जरूर देख लीजिए बच्चों। उसको आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा बच्चों। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहां जाके देख सकते हैं बच्चों आप लोग। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू बच्चों। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर टू में लिखा है sec x = 2, sec x = 2, sec x = 2, ठीक है। चलिए ये बना लेते हैं बच्चों ASTC। बच्चों ये पॉजिटिव है और sec की वैल्यू पॉजिटिव दो जगह होगी, एक तो यहां पर बच्चों, यहां पर तो सभी जगह पॉजिटिव होती है, यहां पे तो कोई चला जाए, पार्क है, खेलने वाला पार्क है, कोई भी आ जाए, कोई भी खेल ले बच्चों यहां पर, सब पॉजिटिव है। बट बाकी देखी जाए तो ये घर है बच्चों, अपने घर में रहोगे तो पॉजिटिव और दूसरे घर में जाओगे तो निगेटिव। जैसे ये देखा जाए तो साइन और कॉसेक का घर है, तो यहां पर साइन और कॉसेक जो होंगे पॉजिटिव होंगे, लेकिन बाकी सभी जो होंगे वो क्या होंगे, निगेटिव। ये टी है, टी का मतलब टेन, और कॉट
दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, और सी का मतलब तो कॉस और सेक पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव एक यहां पर होगा और एक पॉजिटिव यहां पर होगा। तो पहले बात करता हूं सेक में किसकी वैल्यू टू होती है, कोई बताएगा सेक में किसकी वैल्यू टू होती है? सेक 60 की वैल्यू क्या होती है? टू होती है, तो 60 मतलब वही पाई बाई थ्री। और समझिए बच्चों आप, आपको यहां पहुंचना है, ये जीरो, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये थ्री पाई बाई टू और ये टू पाई। जाने यहां पहुंचने के दो रास्ते, या तो इधर से जाइए या तो फिर इधर से जाइए बच्चों, लेकिन ये है दगाबाज, इससे साथ ना जाइए, इसके साथ चलिए बच्चों। क्या है ये? टू पाई है, तो टू पाई मतलब बच्चों सेक टू पाई में क्या करना पड़ेगा आपको बताइए, माइनस की प्लस, अगर प्लस करेंगे तो आगे भाग जाएंगे भैया, प्लस माइनस कर दीजिए, कितना माइनस करेंगे जितना ये दे रखा है, टू पाई माइनस का पाई बाई थ्री। समझ आ रहा बच्चों? थोड़ा सा पास में आ गए इसी के, तो समझ आ रहा होगा बच्चों सब लोग को। तो सेक एक्स एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, क्या लिखा है मैंने, सेक पाई बाई थ्री और sec 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री। आ रहा समझ सभी को? तो ये चीज हमने यहां पे लिखी है बच्चों कि यहां पे दो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, पाई अपॉन थ्री, और 3 टू जा 6, 6 में बन गया बच्चों कितना बचेगा, 5 पाई बाई थ्री। अब बात करते हैं जनरल की। अच्छा जनरल मैंने इसके लिए नहीं लिख पाया बच्चों, बता दूं नहीं लिखवाया मैंने इसके लिए, बट मैंने कॉस के लिए लिखवाया है बच्चों, मैंने कॉस के लिए लिखवा रखा है कि कॉस में क्या होता है बच्चों जनरल सॉल्यूशन। तो sec x is equal to sec पाई बाई थ्री दे रखा है, तो आप इसको उल्टा कर लीजिए, तो sec x is equal to, ध्यान दीजिए बच्चों, sec x is equal to क्या है, टू, तो cos x is equal to कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू, ठीक है। तो cos के लिए बच्चों फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया cos के लिए बच्चों बताइए, 2n पाई प्लस माइनस, मतलब cos x के लिए मतलब x बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये cos के लिए बच्चों होता है। तो x इक्वल टू बताइए बच्चों 2n पाई प्लस माइनस थीटा, मतलब कितना है बच्चों, थीटा मतलब कितना है बच्चों, यहाँ पे किसी वैल्यू होती है cos पाई बाई थ्री की होती है, तो पाई बाई थ्री, ओके। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन थ्री। एक बार आंसर को भी चेक कर लेते हैं बच्चों, तो आंसर बच्चों बिल्कुल सही आ रहा है बच्चों। एक चीज यहां पे और लिखना है, जो n है इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखना है बच्चों, n जो हो कहां बिलोंग करेगा, z में, z का मतलब होता है इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये समझ आ गया, उल्टा कर लिया बच्चों, sec का उल्टा किया तो cos, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1/2, तो 1/2 किसी वैल्यू होती है cos पाई बाई थ्री की, और इसका फॉर्मूला होता है जब cos x is equal to cos थीटा लिखा हो तो फॉर्मूला होता है x is equal to 2n पाई प्लस माइनस थीटा, तो भाई 2n पाई प्लस थीटा पहले कौन था पाई बाई थ्री, तो इसलिए पाई बाई थ्री को लिखा, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर बच्चों, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखा है बच्चों cot x is equal to माइनस का रूट थ्री, क्या लिखा है, माइनस का रूट थ्री। आप समझिए बच्चों, अब ये पहला क्वेश्चन आया जो माइनस में है, तो ये समझ लीजिए a s t c, भाई माइनस में होगा तो मतलब किसके हाउस में होगा, दूसरे घर में बैठा होगा, क्योंकि माइनस में है भाई, तो दूसरे घर में बैठा होगा, तो मतलब या तो ये यहां पर होगा और या तो फिर यहां पर होगा, बताइए, या तो यहां पर बैठा होगा या तो यहां पे नहीं हो सकता ना, तो यहां पे, यहां तो ऑल पॉजिटिव होता है पहले तो, और यहां पे 10 और कॉट के उतने पॉजिटिव होते हैं, तो बट बच्चों यहां पे तो होगा नहीं, तो मतलब यहां और यहां पर हो सकता है। तो बात करें कॉट में किसकी वैल्यू रूट थ्री होती है, पहले ये देखिए कॉट में किसकी वैल्यू रूट थ्री होती है, ये समझिए पहले, कॉट में 30 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री होती है, कॉट 30 मतलब पाई बाई सिक्स की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री होती है, लेकिन हमें जाना है इस हाउस में या तो फिर इस हाउस में, तो यहां पर होता है पाई, यहां पर होता है टू पाई, यही दो सहारा देंगे बच्चों, ये बाकी तो दोनों बेकार है बच्चों मेरे लिए। तो कॉट एक्स, समझिए बच्चों, तो यहां पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई से माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस कितना मैंने बताया बच्चों, रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है कॉट में, 30 की, 30 मतलब पाई बाई सिक्स, और कॉट यहां पर आने के लिए टू पाई से माइनस करना पड़ेगा आपको, टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स, दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएंगे बच्चों, ये पाई यहां लिखा बच्चों, तो सिक्स बन जाए सिक्स, सिक्स में बन गया फाइव पाई बाई सिक्स, और 6 टू 12, 12 में बन गया बच्चों 11 पाई बाई 6, ये x इज इक्वल टू, समझ में आ गया सही बच्चों को, बताइए
सिक्स बन जाए सिक्स, सिक्स में वन गया तो कितना बचेगा फाइव, सिक्स टू जाए ट्वेल्व, ट्वेल्व में वन गया बच्चों इलेवन पाई बाई सिक्स। ओके राइट है क्या बच्चों प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्या जनरल सोल्यूशन। तो समझिए बच्चों अब जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जनरल सोल्यूशन बच्चों यहां पे इसको उल्टा कर लीजिए टेन में, तो टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट थ्री, क्योंकि टेन में मालूम है हम लोग को बच्चों सोल्यूशन, तो टेन में किसकी वैल्यू माइनस वन बाई रूट थ्री होगी, तो टेन में आपको क्या करना पड़ेगा पाई माइनस करना पड़ेगा पाई बाई सिक्स, क्योंकि थर्टी की वैल्यू होती है तो कितना हो जाएगा ये फाइव पाई बाई सिक्स। तो सॉरी यहाँ पे टेन एक्स लिखेंगे, यहाँ पे भी टेन लिखेंगे बच्चों, अभी यहाँ पे भी टेन लिखिए टेन फाइव पाई बाई सिक्स। तो सोल्यूशन बच्चों क्या होता है मैंने बताया अभी तो आप लोग को, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा, थीटा मतलब कितना है बच्चों फाइव पाई बाई सिक्स। ओके बच्चों तो ये आ गया बच्चों क्या जनरल सोल्यूशन ऑफ द कॉट इज इक्वल टू माइनस का रूट थ्री। समझ में आया सभी बच्चों को, बोलिए बच्चों सभी को आ रहा है बच्चों। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर बच्चों आप लोग लगा लेना बच्चों, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस टू दे रखा है उसको आप लोग लगाना है बच्चों, होमवर्क है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव बच्चों, फाइंड द जनरल सोल्यूशन बच्चों, सिर्फ क्या फाइंड करना है हम लोग को जनरल सोल्यूशन। और पहला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव जो कि है कॉस फोर एक्स इज इक्वल टू कॉस टू एक्स। तो देखिए बच्चों कॉस फोर एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स लिखा है, तो याद करिए मैंने अभी आप लोग को बताया कॉस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा लिखा हो तो सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है एक्स बराबर टू एन पाई प्लस माइनस और ये थीटा, ये होता है बच्चों। तो वही चीज़ यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर ये क्या है बच्चों थीटा। तो देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे, फोर एक्स बराबर टू एन पाई, टू एन पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है बच्चों टू एक्स, बट ये सॉल्व हो जाएगा तो क्या लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव, पहले क्या लेंगे बच्चों पॉजिटिव, तो 4x इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस 2x, 2x को इस साइड बच्चों ट्रांसफर कर दीजिए तो 4x माइनस का बच्चों 4x बना है 4x माइनस का 2x इज इक्वल टू में टू एन पाई, कितना बचेगा बच्चों 2x बचेगा इक्वल टू में टू एन पाई, 2 से 2 कट कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एन पाई। अब टेकिंग नेगेटिव बच्चों, नेगेटिव लेंगे बच्चों तो 4x इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों ये इज इक्वल टू बना टू एन पाई माइनस का 2x, 2x को इस तरह बच्चों भेजिए तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा टू एन पाई, ये कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू टू एन पाई, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू एन पाई अपॉन में 6 और ये कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा एन पाई अपॉन में 3। ओके बच्चों तो एक ये सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू एन पाई अपॉन में 3, एक आ गया बच्चों एन पाई और एक आ गया एन पाई अपॉन 3। इसका आंसर चेक कर लीजिए बच्चों, यही आंसर आ रहा होगा सभी बच्चों को आ गया इसमें। में एक तरीका और है कि cos 4x को यहाँ लिखिए बच्चों और cos 2x को इस तरफ ले आइए बच्चों, माइनस कर लीजिए, लेकिन फिर इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, cos c माइनस cos d लगाइए फिर सॉल्व करिए। ओके ये बच्चों तब करिएगा जब साइन हो बच्चों, अगर साइन होगा तो हम ये ऑफकोर्स कर सकते हैं तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा बच्चों, लेकिन cos हो तो डायरेक्ट आप लोग ये वाला मेथड लगा सकते हैं बच्चों। ओके आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखा है बच्चों cos 3x प्लस का cos x, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0, ये बच्चों क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है। तो आप समझिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पर पहले तो आप इन दो पेयर को सॉल्व करिए, फिर जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर इसके बाद उसको और इसको बच्चों क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और फिर आंसर आएगा। तो समझिए बच्चों यहाँ पे पहले लगाएंगे cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d, तो 3x माइनस x बाई 2 माइनस का cos 2x इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों 2 cos ये कितना हो जाएगा 3x और x कितना होता है 4x और हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x, 3x में x जाएगा 2x और 2 से 2 कट जाएगा कितना बचेगा x cos
टू एक्स इक्वल टू जीरो। कॉस टू एक्स बच्चों यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा टू कॉस एक्स माइनस का वन इक्वल टू में जीरो। फिर क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो, और जीरो के लिए नियम जो था वो थोड़ा अलग था कॉस में। बताइए भैया कॉस एक्स इज इक्वल टू अगर जीरो लिखा होगा तो मैंने क्या बताया था, एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, दैट मीन्स इट इज अ ऑड नंबर एंड पाई बाई टू। तो यहां पर भी वही चीज लगाना पड़ेगा कॉस टू एक्स इज इक्वल टू सॉरी टू एक्स इक्वल टू सॉरी सॉरी टू एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों बताइए टू एन प्लस वन, और ये क्या होगा पाई बाई टू, टू को नीचे भेज देंगे तो x इज इक्वल टू टू एन प्लस वन और पाई अपॉन कितना हो जाएगा फोर। ओके बच्चों एक जीरो के लिए अलग होता है बच्चों, थोड़ा सा जीरो के लिए फॉर्मूला यहाँ पे कॉस में अलग होता है। ओके अब देखिए नेक्स्ट वाला बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा है टू कॉस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों बताइए वन अपॉन टू। कॉस में किसकी वैल्यू वन बाई टू होती है भाई, 60 की, 60 मतलब पाई बाई थ्री, और कॉस में जो सोल्यूशन होता है बताया आप लोग को कि टू एन पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा मतलब कितना है पाई बाई थ्री। तो एक आंसर ये है और एक आंसर बच्चों ये लिखा है आपके सामने, समझ में आ रहा है बच्चों को, देख लीजिए बच्चों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे सॉल्व करना है। सभी बच्चों को आ रहा समय, बताइए बच्चों ये फॉर्मूला बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैंने बताया है बच्चों कॉस एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो ये, और कॉस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा होगा तो फिर ये लगेगा। ओके अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन बच्चों, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेवन साइन टू एक्स प्लस कॉस एक्स ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। साइन टू एक्स का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बताइए भाई, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, कॉमन ले लीजिए कॉस एक्स कॉमन लीजिए, क्या बचेगा यहां पर टू साइन एक्स प्लस का वन इक्वल टू में जीरो, और पहला आंसर कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बताइए एक्स इक्वल टू, कोई बताएगा भाई बता दो भाई, टू एन प्लस वन पाई बाई टू। ओके नेक्स्ट टू साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। अब इस पे थोड़ा गौर करिए बच्चों, ये जो साइन यहां पे तो ऑल पॉजिटिव होता है, यहां पे साइन पॉजिटिव होता है, यहां पे टेन और कॉट होता है ए एस टी सी कॉस ओ सेक, तो यहाँ पर निगेटिव है मतलब यहाँ पर जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो होगा नहीं ना, तो यहाँ पर होगा लेकिन होगा कहाँ पे थर्ड हाउस में, मतलब पाई प्लस करना पड़ेगा आपको। तो समझिए बच्चों साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई कितना प्लस करेंगे वन बाई टू, किसी वैल्यू होती है थर्टी की होती है भाई, थर्टी मतलब पाई बाई सिक्स, मतलब साइन इसको ऐसे लिखिए साइन सेवन पाई अपॉन में सिक्स, और साइन बच्चों होता क्या है बताइए भाई, साइन का लिख देते हैं यहाँ पे लिखाने में एक बार भी, साइन एक्स इक्वल टू अगर साइन थीटा होता है बच्चों तो एक्स इक्वल टू होता है एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन थीटा, तो मतलब एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन थीटा, मतलब सेवन पाई अपॉन में से एक से आंसर आ गया है। ठीक है एक ये आंसर है, एक बार ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, बस चेक कर लेते बच्चों। आंसर बच्चों आ रहा है एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन सेवन पाई बाई सिक्स राइट है, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू सही है, एन बिलोंग्स टू द कैपिटल जेड का मतलब इंटीजर्स। ओके बच्चों अब बच्चों क्वेश्चंस बचे हैं इसमें कितने, एक मिनट, क्वेश्चन बचे हैं अभी एट नाइन, दो क्वेश्चन बचे हैं, एक और बता देते हैं एट वाला बता देते हैं, एट वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में लिखा है बच्चों sec क्यूब, क्यूब लिखा है स्क्वायर, स्क्वायर लिखा सॉरी बच्चों sec स्क्वायर टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टेन टू एक्स, ठीक है ये लिखा। देखिए sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कोई बताएगा,
वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का मतलब टू एक्स यहाँ लिखा, वन माइनस टेन टू एक्स, वन से वन गया, इसको इस साइड ले चलिए भैया, माइनस का इस तरफ फेंक दीजिए प्लस का हो जाएगा, इस इक्वल टू में जीरो बचेगा, कॉमन ले लीजिए कितना टेन टू एक्स बचे क्या, टेन टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, टेन टू एक्स इक्वल टू बच्चो पहला बच्चो जीरो, तो टेन में अगर जीरो होता क्या होता है एन पाई, तो टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एन पाई, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू एन पाई अपॉन में टू। नेक्स्ट क्या है, टेन टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, टेन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, और टेन में माइनस होगा तो मतलब सेकेंड हाउस, समझिए सेकेंड हाउस, पाई में माइनस करना पड़ेगा, पाई में माइनस, टेन टू एक्स इज इक्वल टू टेन पाई माइनस कितना होता है पाई बाई फोर, ओके पाई माइनस पाई बाई फोर, तो भाई टेन टू एक्स इज इक्वल टू टेन, फोर बन जाए फोर में बन गया थ्री पाई अपॉन में फोर। और बच्चों इसका आंसर बताओ बच्चों, टू एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है तीन पाई अपॉन में चार, थ्री पाई अपॉन में फोर, टू का डिवाइड एक्स इक्वल टू एन पाई अपॉन में टू प्लस थ्री पाई अपॉन में एट, फोर टू जाए डिवाइड करें ना तो अपॉन में आएगा, टू नीचे आएगा दोनों में, थ्री पाई अपॉन में एट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर एट, यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए बच्चों। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है, लास्ट मिसलेनियस जो कि है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सबसे अलग एक्सरसाइज मिसलेनियस, उसको भी मैं जल्द से जल्द करा दूंगा बच्चों, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर पूछिए बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख के, और मैं उसको जरूर बताऊंगा बच्चों, ओके बच्चों।